सत श्री अकाल जी, पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल, एक नज़र मारते हैं हुण तक दीआं खास सुरखियां ते। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लिया वड्डा फैसला, CAPF विच भर्ती लई हुण पंजाबी समेत 13 भाषावां विच होवेगी प्रीख्या। देश विच लगातार वध रहा कोरोना का खौफ, 24 घंटे विच 27 मौतां, 10,000 तों वधेरे नवें मामले आए सामने। पंजाब दे सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह वल्लों राजपुरा दे सिविल अस्पताल दा अचनचेत दौरा, मरीजों नाल कीती गलबात, कहा पंजाब सरकार बेहतर सेहत सुविधावां देण लई वचनबद्ध। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक इतिहासिक फैसले तहत केंद्रीय हथियारबंद पुलिस फोर्स विच कांस्टेबल दे अहुदिआं लई हिंदी अते अंग्रेजी तों इलावा 13 खेतरी भाषावां विच प्रीख्या करवाउण नूं मंजूरी दित्ती है। एक अधिकारित बयान विच कहा गया कि इतिहासिक फैसला गृह मंत्री अमित शाह की पहलकदमी उत्ते CAPF विच स्थानक नौजवानों की गिणती वधाउण अते खेतरी भाषावां नूं उत्साहित करने लई लिया गया। CAPF विच केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, सरहद सुरक्षा फोर्स, केंद्रीय उद्योगिक सुरक्षा फोर्स, इंडो तिब्बती बार्डर पुलिस, समानांतर सरहद फोर्स अते राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड शामिल ने। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 10,753 नवे मामले सामने आए हैं, जबकि इलाज अधीन मरीजों की गिणती बढ़ के 53,720 हो गई है। सेहत मंत्रालय वालों जारी किए गए अंकड़े मुताबिक भारत में 24 घंटों दौरान कोरोना नाल 27 होर मरीजों के दम तोड़न मगरों देश में मृतकों की कुल गिणती बढ़ के 5,31,091 ते पहुँच गई है। अंकड़े मुताबिक दिल्ली में वायरस नाल 6, महाराष्ट्र में 4, राजस्थान में 3, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एक एक मौत हुई है। पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह वल्लों अचानक राजपुरा के सिविल अस्पताल का दौरा किया गया, जिस विच कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने दसाया कि उन्होंने वल्लों पंजाब के वख-वख अस्पतालों की अचानक चैकिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों के हालात में सुधार लई पंजाब सरकार वल्लों उपराले किए जा रहे हैं। नाल ही उन्होंने COVID-19 नूं लैके कहा कि पंजाब विच टैसटिंग वधाई गई है ते पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। ये वैसे भी मैं रेगुलरली कर रहा जी, मेरा काम भी है, इट्स पार्ट ऑफ माई ड्यूटी, मेरा काम का हिस्सा ही है। ये मैं जिन्हें भी हॉस्पिटल है, मेरी कोशिश होंगी है कि जो दस के जाओ फिर तो वो सारा कुछ तैयार कर लेंगे, है ना जी। सो मैं आज देखा इतने एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर से पेशेंट्स को अटेंड कर रहे थे और मैं पेशेंट्स ने इंटरैक्ट किया और किसी भी पेशेंट की कोई शिकायत नहीं, सारे हैप्पी से, दवाइया इतों मिल रही सारी उन्होंने। साडा सरदार भगत सिंह मान जी का जो दिशा निर्देश है वो हिसाब न सारिया दवाइया मरीजों हस्पताल तो मिलनिया चाहिए और असं खास करके जोड़ा कोविड बढ़ रहा है साढ़े हिमाचल और हरियाणा के बहुत ज़्यादा हो गया से, हम अपने भी थोड़े जे केसिस बढ़ रहे हैं। वो असी टैसटिंग बधाई है जी, पहले साढ़े जोड़े टैस्ट से तकरीबन साढ़े 1500-2000 आ गए से, हम असी कल असी 4500 तो बाद टैसट किए, जो 4000 तो बाद जो टैसट है वो RT-PCR है, जो साड़िया गाइडलाइनस है विश्व सेहत संस्था दी और साड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट दी और साड़िया अपनिया भी, वो असी उन्हां दी दिशा निर्देश नूं पूरा फॉलो कर रहे हैं जी। साडे कोविड वार्ड दोनों अजे खाली पे है, असी उन्हां दा सारा जिहड़ी अपकीप कर रहे हैं और स्टाफ साडा तैयार है, साडे कोल PPE किट्स, मास्क, जिन्नियां भी साडे कोल सारियां सप्लाईज है, सैनिटाइजर वो साडे कोल वाधू है। मैं सारे नूं कह रहा भी तुसीं जाके अपने जिहड़े वेयर हाउस है असीं सारियां लै लईआं हैगीआं, तो वैक्सीन वास्ते असीं सेंटर गवर्नमेंट नूं अपील की है क्योंकि उन्होंने कहा कि स्टेट्स आप लै लैण, असीं खरीद नहीं चाहते सी। जिहड़ी सीरम इंस्टीट्यूट है उन्होंने कोल साडी गल हुई सी, कहिंदे तुसीं सानूं पैसे जमा कराओगे 3 महीने लगणगे, सो असीं सेंटर नूं बेनती की है कि तुसीं इकट्ठी प्रोड्यूस करा लो तो सानूं वैक्सीन दे दिओ। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है कि वैक्सीन सेंटर ने देनी है, बट फिर भी मैं कहा जे कोई इशू है असीं पैसे दे देंगे, सानूं वैक्सीन दे दिओ, तो लेकिन तुसीं सारे देश वास्ते प्रोड्यूस करा लो। बटाला विच चीफ खालसा दीवान वालों श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल का नींह पत्थर रखा गया, मुख्य मेहमान के तौर उत्ते चीफ खालसा दीवान के प्रधान पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निजर बटाला पहुंचे। उत्थे ही डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निजर का कहना सी कि वह चीफ खालसा दीवान के प्रधान वजो आए हैं और उन्होंने दसा कि बटाला विच नवे स्कूल का नींह पत्थर रखा गया, तो 1 साल तक इमारत तैयार करके अगले सैशन तो पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी। उन्होंने दसा कि माझा और दुआबा के वख-वख जिलों में चीफ खालसा दीवान वालों इसे तरह नवे स्कूल खोले जा रहे हैं। जिमें बहुत सारे लोगों को पता भी है कि श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल दियाँ 50 तो वध सड़कों ब्रांचेस है ने और चीफ खालसा दवान के तहत चल दिया ने, सो उस लड़ीवार असी अज एक अर्बन एस्टेट बटाले विच एक 2 एकड़ की साइट सी जी असी इन्होंने को ली है और अच्छी उत्तर नींह पत्थर रखे स्कूल बना जा रहे हैं।
और जल्दी पूरा करांगे। अगला सैशन असी बच्चे लाँगे जो नैक्सट सैशन आएगा। सो अब जितना असं पहला मैनेजमेंट गए थे उत्थे सारा स्कूल है पुराना, वो असी नवा ब्लॉक बनाया एक और साढ़े को 1300 तो बाद बच्चे ने उत्थे इस तरह अटारी भी असी कोई 6 एकड़ जमीन ली है। साढ़े को स्कूल हैगा लेकिन 6 एकड़ होर लैके तो असं एक्सपेंड कर रहे हैं। कोशिश साड़ी यही कि सिक्ख्या बच्चों बहुत चंकी उच्चे मार की सिक्ख्या जी है रीजनेबल फीस लैके दी जाए और बच्चों की जी बहुत भुखी है उनकी डिवेलपमेंट हो जिदा सिर्फ पढ़ाई वालों ना हो सिर्फ करैक्टर भी चंगा बने और बोल बोलने चल जाके चंगे होन अंग्रेजी चंकी बोलते होन और एक चंगे सिटीजन बन सकन क्योंकि असी फील करते हैं कि जी पंजाबी सिख ने इन्हों सू एक वर्ल्ड सिटीजन असं वर्ल्ड सिटीजन है दुनिया के हर कौन कोने जाओ तो उन्होंने एक सिख मिल जाएगा कितने। सो अस चाहते साढ़े जो बच्चे पढ़ के जान कि जाके फिट हो जाए। नाभा में ट्रक यूनियन धार्मिक समागम में शिरकत कर पहुंचे नाभा के विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने सबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उत्ते शब्दी वर किए हैं। देवमान ने कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी को विजिलेंस की जांच का सामना करना चाहिए है तो जे वह पाक साफ होए तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार का एक मकसद है कि जिन्हों वालों भी पंजाब में घपले किए गए हैं उन्होंने किसी भी कीमत उत्ते बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इन्हों का जरा भाणजा इलैक्शन तो पहला अंदर चले गया जिदे को किन्ने करोड़ रुपया कैश मिला से जो भी कोई चाल सी ये तो सिर्फ गल्लां ने जी। चन्नी साहब जिहड़े ने मुख्यमंत्री रहे ने और चन्नी साहब नूं अज बुलाया होया ते इन्वेस्टिगेशन दे विच ओह साथ देण पर जिन्नी प्रॉपर्टी बनाई है जिन्ना उन्हां दा कारोबार है जो भी उन्होंने किया जिन्नियां फाइलां साइन कीती होईआं ने ओह दुद्ध दा दुद्ध पाणी दा पाणी हो जाणा जी। मेरा ख्याल है चन्नी साहब ने जिहड़े गुनाह कीते आ ਉਹ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਸਾਧੂ ਧਰਮ ਸੋਧ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੱਖ ਵੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਰਮ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾਵੇ ਜੀ। वारिस पंजाब दे जथेबंदी दे मुखी भाई अमृतपाल सिंह दी भाल ते उसकी गिरफ्तारी नूं लैके चल रहे सूबे पद्धरी आपरेशन दे मद्देनज़र पटियाला विच वी पोस्टर चिपकाए गए ने जिस उपर लिखा गया कि अमृतपाल दी सूचना देने वाले दा नाम गुप्त रखा जाएगा अते उस नूं वाजब इनाम भी दिता जाएगा। पटियाला तों साडे पत्रकार अमरजीत सिंह ने इस बारे वेरवे सांझे कीते ने। वारिस पंजाब दे मुखी अमृतपाल सिंह दी भाल नूं लैके पूरे पंजाब दे जिहड़े पोस्टर ने उह लगा दिते गए ने। असीं तुहानूं तस्वीरां दिखा दईए। बिल्कुल जिहड़ा इह चौंक है यह थापर का मेन चौंक है जिहड़ा कि मुख्य मार्ग नाभे नूं जोड़दा है। इत्थे कई बसां जिहड़ियां ने उरों लंघदियां ने। तो तुहानूं पहला तस्वीर दिखा दईए। इत्थे जिहड़ा नाका लग्गिया होया ते नाल जिहड़ा अमृतपाल सिंह दी जिहड़ियां तस्वीरां ने उह वी इत्थे लगाईआं होईआं ने जिहदे विच उत्तर लिखा गया उह तस्वीर अमृतपाल सिंह दी है जो कि वख-वख केसां विच पुलिस नूं लड़िंदा है जाने कि पुलिस इस दी भाल कर रही है। जे किसी इस बारे जानकारी होवे ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਾਣਬੀਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਸਰ ਸੁਬਾਹ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਨਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਪੂਰਾ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ NIA ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ NIA ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਬਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ
राजदीप सिंह की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिता। बार एसोसीएशन ने अदालत को दसा कि अज कोई भी वकील अदालत में नहीं गया तो नो वर्क डे रखा गया। उन्होंने कहा कि इस मामले संबंधी जल्द ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया से बार काउंसिल ऑफ पंजाब से हरियाणा हाईकोर्ट को जाणू करवाया जाएगा। बार एसोसीएशन कपूरथला के मैंबर राजदीप सिंह जिहड़े एडवोकेट आ साडे उन्हां दे खिलाफ NIA ने ते जिहड़ा पंजाब पुलिस ने कार्रवाई की आ जो गैर कानूनी आ जिहदे रोस वजों असीं जिहड़ा अज नो वर्क डे रख्या वा ते पंजाब सरकार नूं चेतावनी दिंदे आ कि जिहड़ा वकील भाईचारा होया प्रेस होई इहदी आवाज़ नूं दबाउण की कोशिश ना करो। इन्हां ने ते लोकां नूं जिहड़ा हैगा जागरूक करना हुंदा ते तुसीं इन्हां दे जिहड़े हक्कां दे डाका मारन दे राह पै गए। कंटेंट ते किहड़ा कोई बैन लगा होया वा जिहनें कि कोई भी अपने विचार प्रगट कर सकता वा जे किसी ने कंटेंट शेयर करता उहदी आपदी जिहड़े विचारां दी आजादी आ उहदे विचार प्रगटा सकता वा इहते संविधान ने भी नहीं कोई रोक लाई NIA जां पंजाब पुलिस किवें ला सकदी रोक। तख्त श्री दमदमा साहब विखे श्रोमणी पंथ अकाली बोढ़ा दल के मुखी जथेदार बाबा बलबीर सिंह 96 करोड़ की अगुवाई में खालसा साजना दिवस विसाखी को समर्पित महला धूमधाम कढ़िया गया। इस मौके वड्डी गिणती में संगतां ने पुज के इसका आनंद माणिया ते सिंघां ने घोड़ियां उत्ते करतब विखाए। इस मौके बाबा बलबीर सिंह ने गलबात दौरान खालसा साजना दिवस की बधाई दिती अते संगत नूं गुरसिखी नाल जुड़न की प्रेरणा की। अज विसाखी का दिहाड़ा है, अज के दिन महाराज ने खालसा पंथ की साजना की थी। होला महला जिहड़ा होला खेडा जा रहा है, यह जंग का रूप है। जदों महाराज उदों जंगा जुद्धां विच चढ़दे सन तां यही रूप हुंदा सी, ते उही रूप निहंग सिंह अज उही कर रहे ने। जदों महला चढ़दा है तां उही रूप हुंदा है खालसे दा, तेगां नंगियां तेगां वरछे चकारे छड़दे निहंग सिंह महला कढ़दे हन अते सारे दलां पंथां वल्लों इकट्ठे हो के यह महला कढ़िया जांदा है। जिस तरह जंग नूं चढ़ाई करदे हुंदे हां, लड़ाई करदे हुंदे हां, उस तरह ही महला चढ़दा हुंदा है। अते बहुत ही उत्साह देखण नूं मिल रहा है संगत विच, सारे दल इकट्ठे श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल तरना दल विधी जंदी सारे दल इकट्ठे होकर महला करते हैं। जिवें जंग का रूप हुंदा है उसे तरह ही महला होला हुंदा है। होला हुंदा है हल्ला करना, महला हुंदा है जगह, होले नूं कहिंदे ने हमला करना ते महला जगह, यह जगह है। जिवें ग्राउंड विच जिवें आनंदपुर साहब होला महला खेडिया जाता है, इतने भी महला खेडिया जाता है। इस तरह जिवें हुण संगत विच बहुत ही गतके दे जोर हुंदे हन, बहुत ही उत्साह हुंदा है। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਬਡਾਲੀ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੀਮ ਸਮਗਲਰ ਗਰੋਹ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 17 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅਭਜੋਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 7 ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ कि उसने नागालैंड तो ही ली सी, जिस तो बाद पुलिस ने नागालैंड जाके कथित आरोपी रामराज ठाकुर 10 किलो फीम समेत गिरफ्तार किया और उसके खाते में पई 5 लाख की रकम ड्रग मनी समझ के फ्रीज करवाया गया। जी पुलिस स्टेशन बडाली वाला सिंह 5/4/23 सही नंबर FIR दर्ज हुई थी, जिद एक संजय कुमार नाम के बंदे तो उसी 7 किलो फीम रिकवर की। इसकी पुछगिछ के एक बहुत अहम गल सामने आई सी कि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो वड्डी कमर्शियल क्वांटिटी दे विच वड्डी क्वांटिटी दे विच अफीम जड़ा है पंजाब एरिया दे विच स्मगल कर रहे हैं। इस इनफॉर्मेशन ते असी सारिया परमिशन्स लैके जो इहदी पुछगिछ दे विच पुलिस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दे विच जो गल सामने आई सीगी कि रामराज ठाकुर नाम का एक बंदा हैगा जो वैसे ते बिहार दा सीतामढ़ी दा हैगा पर बर्मा कैंप नागालैंड दे विच रहिंदा है। टेक्निकल वगैरह जो एविडेंस वो तो भी यही गल समझ आई सी, तो पुलिस पार्टी जी है SHO बडाली वाला सिंह सब इंस्पैक्टर नरपिंदर पाल सिंह उन्होंने टीम नागालैंड पहुँचे तो उत्थे फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर 10 किलो अफीम है जी उस बंदे तो रिकवर की गई। रिकवरी तो बाद इस बंदे रामराज ठाकुर जिहड़ा मैजिस्ट्रेट साहब को मान्योग अदालत पेश करके उन्होंने ट्रांजिट रिमांड लैके ये टीम हूँ वापस इतने पहुंची है तो यदा मान्योग अदालत हूँ पेश करके तो अगे असी रिमांड लवेंगे। फिरोजपुर पुलिस को उस वे वड्डी सफलता मिली जदों गुप्त सूचना के आधार उत्ते पुलिस ने वक् वक् मामलों में लुटा खोहां करने वाले गिरोह के 6 मैंबरों को गिरफ्तार किया है और वक् वक् मामलों में लुटेरों तो पूछगिछ दौरान 32 मोटरसाइकिल 1 देसी पिस्टल 1 पिस्टल और 25 किलो पिस्तल दी टूटियां 16 बैटरियां बरामद कीतियां ने। यह जानकारी SSP फिरोजपुर भुपिंदर सिंह सिद्धू ने साझी की है। उन्हें कहा कि मुलजमान खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई अमल में लिया जा रही है। काफ़ी जड़िया चोरिया घर चोरिया हुई सी चोर भी फड़े आ
बैटरियां भी जिदे विच पंज तां असी जिहड़े इहदे विच होर डाका मारन दी जां चोरियां करन दी स्नैचिंग लुट खोह दी कोशिश प्लैनिंग दे विच सी, उह पंज बंदिआं नूं साडी लोकल पुलिस इंस्पैक्टर मोहित ते जिहड़े साडे एस पी साहब दी अगवाई दे विच उहनूं गिरफ़्तार करन दे विच इह कामयाब होए आ, जिन्हां तों काफ़ी वड्डी रिकवरी होई है। 12 चोरी दे मोटरसाइकिल, 16 चोरी दियां बैटरियां, 25 किलो पित्तल जिवें टूटियां वगैरह जिहड़ियां सीगियां घरां चों, खाली घर सी जिहड़े 6 उहनां चोरियां होईआं सी, ते 4 कापे, 1 बेसबॉल बैट, ते इह कुछ रिकवर होया उहनां कोलों, ते होर भी पुछगिछ दे विच होर रिकवरियां होण दी सानूं उम्मीद है, भी होर भी रिकवरियां होणगियां उहनां तों। ते इह जिहड़े 5 जणे जिहड़े असीं अरैसट कीते आ, इहनां चों 4 दे तां पहलां भी साबका रिकॉर्ड आ उहनां दा, उहनां दे कई अजिही परचे दर्ज आ जिहड़े चोरी दे जां लुट खोह दे पैसे उहनां दे परचे दर्ज आ, ते 1 जणे ते परचा नहीं दर्ज हजे, ते उहदा पर असीं रिकॉर्ड देख रहे हां, ते इन्हां ते एग्जैम्पलरी एक्शन होगा, इन्हां नूं अरैसट करके ते जल्दी असीं बाहर नहीं आउंदे ना। ते इवें ही CIA वल्लों भी साडे इंस्पैक्टर CIA उन्होंने भी एक जिहड़े ग्रोह नूं चोर ग्रोह विचों फड़ के उन्हां चों 20 चोरी दे मोटरसाइकिल बरामद कीते, टोटल 32 मोटरसाइकिल आह जिहड़े साडे कल दे असीं इहदे विच रिकवर करन च फिरोज़पुर पुलिस कामयाब हुई है। श्री गुरु नानक देव जी की चरण छोह प्राप्त धरती सुल्तानपुर लोधी में नवनियुक्त DSP बबनदीप वालों नशे के विरोध में मुहिम चलाई गई। सुल्तानपुर लोधी के SHO शिव कमल ने एक व्यक्ति को नशे की समगलिंग करने के दोष में गिरफ्तार किया है, जिस को एक रिवालवर 5 ग्राम हैरोइन 7000 रुपए की ड्रग मनी बरामद हुई है। पुलिस मुताबिक समगलिंग करने वाला दोषी अपने आप को बाबा दसता, इसी की आड़ नशे की समगलिंग करता से। उन्हें कहा कि नाकेबंदी दौरान एक कार को चैकिंग लिए रोकया गया, तो उसकी तलाशी दौरान यह हैरोइन बरामद हुई है। उन्हें कहा कि मुलजम का नाम बूटा सिंह उर्फ बाबा, उसके नाल बैठे नौजवान का नाम राकेश कुमार है, तो दोवां नूं गिरफ़्तार किया गया, तो बनदी कार्रवाई अमल में लिआंदी जा रही है। गढ़शंकर अधीन पैंदे पिंड सरदुल्लापुर में अपने चचेरे भरावां नूं उलांभा देण गए एक व्यक्ति का कतल होने का मामला सामने आया। दसिया जा रहा है कि चचेरे भरावां ने पीड़ित हरमेश लाल की बेतहाशा कुटमार की, जिस नाल उसकी मौत हो गई। थाना महलपुर की पुलिस ने 2 औरतों समेत 5 व्यक्तियों उत्ते कतल का मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी मीना कुमारी ने पुलिस को दिए बयान में दसा कि हमलावर उसके पति के चाचे के लड़के ने। उसने दसा कि कुछ दिन पहले हरमेश लाल के पहले विआह तो बाद हुई लड़की को उसके चाचे के लड़कियों ने उसकी भूआ के घरों चुकया, तो उसकी पहली पत्नी के घर छड आए, जिसका उलामा देन गए हरमेश लाल उसके चाचे के लड़कियों ने कुट कुट के मार दिता, खुद फरार हो गई। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन च फिलहाल नहीं जाते, नज़र मारदे मौसम के हाल से, बने रहो चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ। धन्यवाद।